ये प्राइवेट ट्यूशन है, अगर समझना और तो समझ, अगर समझ जाए तो बेटर है। ठीक है सर, ये फीमर बोन है, ठीक है, इसमें जो मैम ने पहले बताया था कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की, ठीक है, और दूसरा ये बताया था कि इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है और एक शाफ्ट है, ये थ्री पार्ट्स हो गए। फिर मैम ने बताया था कि साइड डिटर्मिनेशन के लिए थ्री पार्ट्स उन्होंने बताए थे, उन्होंने कहा था पहला ये कि हेड देखना है कि ये मीडियली जा रहा है और अपवर्ड जा रहा है, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा उन्होंने कहा था कि कॉन्डाइल्स देखने की ये बैकवर्ड जा रहे हैं पोस्टीरियरली, मतलब पिछली वाली साइड, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि जो शाफ्ट है इसके पीछे एक शार्प बॉर्डर है, ये शार्प बॉर्डर है, ये देखना है, इससे हमें पता लगेगा कि ये फीमर की साइड की है। तो अगर हम ये देखें कि ये अप जा रहा है ऐसे अपवर्ड्स और मीडियली, और जो इसका पीछे वाला जो शार्प बॉर्डर है ये पीछे जा रहा है, और ये जो कॉन्डाइल्स पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये हमारी राइट फीमर की बोन है। तो ये थ्री पार्ट्स हो गए हमारे पास साइड डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है सर, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट जो बताया था मैम ने वो ये था कि फिर नेक का बताया था, बाय डेफिनेशन ये वाली नेक नहीं हो सकती, गलत है, क्योंकि जो नैरोस्ट पॉइंट होगा ट्यूब्रोसिटी के नीचे उसको हम कहेंगे नैरोस्ट पॉइंट ये है, तो नेक बाय डेफिनेशन ये होगी सर, ठीक है सर। और नेक का अगर हम देखें कि हेड की तरफ देखें तो ये नेक जा रही है अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, और लेकिन ट्रोकेंटर की तरफ देखें तो नेक जा रही है लेटरली आउटवर्ड्स ट्यूब्रोसिटी की तरफ, दोनों डिफरेंट पोजीशन हैं। और ये नेक होगी नैरोस्ट पॉइंट, और ये जो है हेड की तरफ जाते हुए नेक नैरो पतली होती जा रही है, और ट्रोकेंटर की तरफ आते हुए नेक फैलती जा रही है, एक्सपेंड हो रही है। और एंगल का मैम ने बताया था कि ये नेक और शाफ्ट के दरमियान में जो एंगल है ये 125 डिग्री होता है अडल्ट्स में, और 160 डिग्री होता है चिल्ड्रन में, ठीक है। उसका दो डिसऑर्डर्स बता दिए थे, एक था कॉक्सा वैलिगा, अगर ये जो एंगल है बाय बर्थ ज़्यादा हो, बाय बर्थ ज़्यादा हो तो इसको कॉक्सा वैलिगा कहेंगे, और इसमें जो मसला आएगा हमारे पास वो आएगा एडक्शन, डबल डी एडक्शन ऑफ हिप जॉइंट, यानी बोन को मतलब कि लॉक को अंदर लाते हुए मसला आ रहा होगा, ठीक है, एडक्शन ऑफ हिप जॉइंट में मसला आएगा। दूसरा जो उन्होंने बताया था इसी के साथ कॉक्सा वेरा, इसमें जो ये एंगल होगा ये कम हो जाएगा, और इसमें जो रीज़न होगी ये फ्रैक्चर की होगी, उसमें रीज़न थी बाय बर्थ, इसमें फ्रैक्चर की रीज़न होगी, और इसमें जो मसला आएगा एबडक्शन बी के साथ, यानी एबडक्शन दूर जाते हुए बोन को मसला आ रहा होगा, एबडक्शन ऑफ हिप जॉइंट में मसला आएगा। और सर ये वाला पॉइंट कवर हो गया। इसके बाद थे दो ट्रोकेंटर्स, एक ये वाला है ग्रेटर ट्रोकेंटर, और एक सर ये वाला है स्मॉलर ट्रोकेंटर, सही कहा सर, ठीक है। और ये वाला जो ट्रोकेंटर है ये लेटरली यानी बाहर वाली साइड पर लाया कर रहा है, और ये वाला जो ट्रोकेंटर है ये इन साइड की तरफ जा रहा है मीडियली। तो ये दो ट्रोकेंटर्स हो गए, और इनको दो लाइंस कनेक्ट कर रही है, जो पीछे पोस्टीरियर साइड पे इन दो ट्रोकेंटर्स को कनेक्ट कर रही है, इसको मैम ने कहा था कि पोस्टीरियरली इंटर ट्रोकेंटरिक क्रस्ट कहेंगे। और जो इधर दो ट्रोकेंटर्स के दरमियान में लाइन जॉइंट कर रही है इनको, इधर यहाँ तक जो जा रही है लाइन, इसको हम कहेंगे इंटर ट्रोकेंटरिक लाइन कहेंगे। और इसके साथ फिर जो जेंडर डिफरेंसेस बताया था मैम ने, वो ये बताया था कि नेक एंड शाफ्ट का जो एंगल होता है वो फीमेल में कम होता है, मेल में ज़्यादा होता है, ये था जेंडर डिफरेंसेस ऑफ फीमेल बोन, एक बताया था। उसके बाद ग्रेटर ट्रोकेंटर में मैम ने ये बताया था कि इसके पोस्टीरियर में ऑन पोस्टीरियर पिछली वाली साइड पे इधर ये पोस्टीरियर ग्रेटर ट्रोकेंटर के पोस्टीरियर साइड पे इधर होती है ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी, सर यही वही होगी ट्यूब्रोसिटी, सही थी सर, ये ऊपर यहाँ सर, ये आप मार कर दे ताकि वो मुझे पता ना, ये है ना सर, उस स्पाइरल लाइन आप ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी ये वाली साइड है, तो पोस्टीरियर साइड पे ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी है, और इसको ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर हिप का मसल ग्लूटियस मैक्सिमस आकर अटैच होता है, ठीक है सर, ये हो गया। उसके बाद सर ट्रोकेंटेरिक फोसा, ग्लूटियल फोसा, ये जो है ये ट्रोकेंटेरिक के अंदर ये जो डिप्रेशन बना हुआ है इन साइड पे, ये डिप्रेशन है ये इन साइड पे ना, ये इन साइड पे ट्रोकेंटेरिक के अंदर डिप्रेशन है, इसको ट्रोकेंटेरिक फोसा भी कह सकते हैं और ग्लूटियल फोसा भी कह सकते हैं, और ये जस्ट बिनिथ द ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ठीक है सर, यहाँ तक भी ठीक है। और जो है हेड है सर, इसके अंदर एक पिट होती है जिसको हम कहते हैं फूबिया कैप्टिवस, और इसके अंदर लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर अटैच होते हैं, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर इधर अटैच होता है, यहाँ तो खत्म हो गया। अब यहाँ शाफ्ट पे आ गया, शाफ्ट पे सर मैम ने कहा था कि कॉन्वेक्सिटी है एंटीरियर साइड पे, कॉन्वेक्सिटी मीन्स उभरा हुआ ना सर, कॉन्वेक्सिटी उभरा मुड़ा हुआ, ठीक है मुड़ा हुआ, और पीछे मैम ने कहा था कॉन्केविटी है, मतलब ये चिपका हुआ कह सकते हैं क्या, आगे वाली साइड पे ये मुड़ा हुआ है, और पीछे वाली साइड पे क्या होगा, मतलब इसको मैंने कहा था कॉन्केविटी है और उसको कॉन्वेक्सिटी है, यस सर, यस सर, यस सर, ये कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी है, सही है, एक मिनट पोजीशन,
कॉनकेव है यस सर। इसी तरह ये बाहर वाला हिस्सा थोड़ा ये कॉन्वेक्स, ठीक है सर समझ गया। इस पे ये कॉन्वेक्सिटी है इंटीरियर साइड पे और कॉन्केविटी है पिछली वाली साइड पे। और शाफ्ट के थ्री सर्फेसिस और थ्री बॉर्डर्स बताए थे, एक है जो सामने इंटीरियर वाली साइड पे स्मूथ सरफेस हो गया सारा, उसके बाद दूसरा जो सरफेस बताया था वो ये जो लिप आ रही है ये जो मीडियल साइड वाली भी लिप है, इसमें मीडियल साइड वाली लिप ये जो है और ये जो एंटीरियर सर्फेस इसके दरमियान में ये जो आ रहा है सरफेस, इसको मैम ने कहा था कि ये था पोस्टो मीडियल सरफेस, पोस्टीरियर साइड पे मीडियल सरफेस इन दोनों के दरमियान। और इसी तरह ये लैटरल साइड पे ये जो सरफेस है पोस्टो लैटरल सरफेस, तो ये थ्री सरफेस होगी शाफ्ट बोन की। पोस्टो मीडियल सरफेस ये है कि जो लिप जो है और जो एंटीरियर सरफेस है मीडियल साइड यानी नेक हेड वाली साइड पे, इस दरमियान में ये जो सरफेस है इसको हम कहेंगे पोस्टो मीडियल सरफेस। और इसी के पैरेलल सेम डेफिनेशन के साथ लैटरल साइड पे पोस्टो लैटरल सरफेस और सामने एंटीरियर स्मूथ सरफेस, ये थ्री सरफेसेस हो गई हैं। फिर थ्री बॉर्डर्स, एक सबसे बड़ा बॉर्डर जो सारों को दिख रहा था ये शार्प बॉर्डर जो दो लिप्स जुड़ी हुई है, शार्प बॉर्डर हो गया इसको लीनियर एस्परा भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है मीडियल बॉर्डर, मीडियल यानी जो हेड वाली साइड है ये है ना सर, ये मीडियल बॉर्डर हो गया। और जो लैटरल वाली साइड यानी ट्यूब्रोसिटी वाली साइड पे ये है लैटरल बॉर्डर, यानी ये थ्री बॉर्डर्स हो गए इसके, थ्री सर्फेसिस थ्री बॉर्डर हो गए शार्ट के। और एंटीरियर स्मूथ सर्फेस भी इधर न्यूट्रिएंट फोरामेन है, इधर ही है सर न्यूट्रिएंट फोरामेन जिसके अंदर ब्लड वेसल्स आते हैं, इसका न्यूट्रिएंट फोरामेन हमारे पास जो है ना वो इधर होता है, अच्छा पीछे होता है लीनिया एस्परा के अंदर, लीनिया एस्परा ये मैं आप लोगों को बताना भूल गया, अच्छा भैया लीनिया एस्परा के सुपीरियर पोर्शन में देखें जो ट्रायंगल थी हमारे पास, यस सर ठीक है, उसमें एक न्यूट्रिएंट फोरामेन है, समझ गया सर। ये बच्चे यानी सर ये जो शार्प बॉर्डर है इसके इस साइड पे आप कह रहे हैं ना ये इधर बना हुआ है यस सर समझ गया, ये यस सर बिल्कुल सर, ये जो बना हुआ है ये एंटीरियर फोरामेन हो गया, ये वाला बॉर्डर है ये एंटीरियर फोरामेन, यस सर यहाँ तक क्लियर है सर। शार्प की शाफ्ट है इसकी थ्री सर्फेसिस हो गई और थ्री बॉर्डर्स हो गए सर। अब इसके बाद आया पोस्टीरियर बॉर्डर को हम लीनिया एस्परा भी कहते हैं, ये जो पीछे है लीनिया एस्परा जिसके अंदर न्यूट्रल फोरामेन है। इसके बाद सर पोस्टीरियर बॉर्डर के दो लिप्स हैं, एक ये लिप आ रहा है और एक ये लिप आ रहा है, और ये नीचे लोअर एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है, ये अपर एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है। लोअर एक्सट्रीमिटी की तरफ जो जा रहा है इधर ये ट्रायंगुलर सेक्शन है इसको हम कहते हैं पॉपटियल सरफेस, ठीक है पॉपलीटियल सरफेस यस सर। और इसके ऊपर जो है लैटरल लिप को जो हम कहेंगे लैटरल लिप के ऊपर ये जो रिज है इसको हम रिज कह रहे हैं लोअर एक्सट्रीमिटी पे, इस रिज को हम कहेंगे लैटरल सुपरा कॉन्डाइलर रिज, लैटरल मींस लैटरल साइड पे ट्यूब्रोसिटी वाली साइड, सुपरा मींस इसके ऊपर और कॉन्डाइलर मींस कॉन्डाइल के ऊपर है यानी सुपरा कॉन्डाइलर रिज, सही कह रहा हूं। और जो मीडियल के ऊपर है ये वाला रिज इसको हम कहेंगे मीडियल सुपरा कॉन्डाइलर रिज, मीडियल यानी मीडियल साइड पे, सुपरा मींस कॉन्डाइल के ऊपर यानी मीडियल सुपरा कॉन्डाइलर रिज हो गया, ठीक है सर। इसके बाद सर दो इसके टोटल चार कॉन्डाइल्स हैं जो बताए थे, एक तो ये एक ये बड़ा सा कॉन्डाइल है और एक ये बड़ा सा कॉन्डाइल है, ये हो गया एक तो ये हेड वाली साइड पे हो गया मीडियल कॉन्डाइल और ट्यूब्रोसिटी वाली साइड पे हो गया ट्रोकेंटर कॉन्डाइल, मतलब कि लैटरल कॉन्डाइल हो गया। अब कॉन्डाइल के ऊपर सर ये जो उभरा हुआ जगह है इसको हम कह रहे हैं एपी कॉन्डाइल, क्योंकि ये कॉन्डाइल के ऊपर है एपी और ये साइड पे, तो एपी कॉन्डाइल है जो लैटरली और अब लायकार है। और इसी तरह ये मीडियल कॉन्डाइल है जो ये इस साइड पे मीडियली लायकार है और एपी मतलब अब लायकार है, तो एपी कॉन्डाइल हो गया, तो इसको मीडियल एपी कॉन्डाइल कहेंगे और इसको लैटरल एपी कॉन्डाइल कहेंगे, और ये मीडियल ये होगा लैटरल कॉन्डाइल और ये होगा मीडियल कॉन्डाइल, ये हो गया चार कॉन्डाइल्स। इसके बाद सर ये बताया था कि इसके नीचे एक आर्टिकुलेट सरफेस, आर्टिकुलेट यानी जॉइंट वाली सरफेस है और ये स्मूथ है, और इसके लोअर एस्पेक्ट पे ये आर्टिकुलेट करती है टीबिया के साथ, फेबुला के साथ नहीं करती, ये भी बताया था, टीबिया के साथ करेगी आर्टिकुलेट। और इसके साथ एक नॉच है, ये नॉच है, एक मिनट इधर फोकस करो, इधर ये देखो ये नॉच है, ये नॉच है, इस नॉच को हम पोस्टीरियरली पीछे वाली साइड पे इसको हम कहेंगे इंटर कॉन्डाइलर फोसा या नॉच, ठीक है। और इसके साथ एंटीरियरली स्मूथ सरफेस है बिटवीन टू कॉन्डाइल्स, इस सरफेस को टू सरफेस है बिटवीन टू कॉन्डाइल्स, इसको हम कहेंगे पैटेलर सरफेस क्योंकि इधर पैटेल अटैच होता है, ये वाली है, अच्छा अच्छा ये सर आप मार्क कर देता लाइन सी बनी हुई बीच में, ये वाला जो एरिया ना ये पटेला के, अच्छा पटेलर सरफेस पोस्टीरियर वाला एरिया सारा ये टीबिया के, अच्छा ये यानी ये टीबिया के लिए सरफेस है और ये पटेलर सरफेस इधर क्योंकि पटेला अटैच होगा। और सर लास्ट पे दो फ्रैक्चर बताए थे मैम ने, कि कहा था कि एक फ्रैक्चर होता है फीमेल में ज़्यादातर होता है ये हेड के नीचे
सबसे ये वाला जो पार्ट होता है जो नेक होता है इस पर बिल्कुल हड के नीचे होता है और उसको होता है सब कैपिटल फ्रैक्चर और ये सिर्फ मीनोपॉज के बाद जो फीमेल होती है उनके अंदर होता है क्योंकि उनके एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस यानी जिसमें बोन की पोरस होने वाली स्पीड हो जाता है प्रोसेस बोन डिग्रेडेशन ज़्यादा होने लग जाती है तो उसमें यह फ्रैक्चर ज़्यादातर मीनोपॉज के बाद होता है और उसका फ्रैक्चर का नाम होता है सब कैपिटल फ्रैक्चर और ये पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल में होता है। एक फ्रैक्चर ये बताया था, दूसरा लास्ट में बताया था ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर, ये बताया था कि ये ट्रोकेंटरिस भी होता है एक्सीडेंट के दौरान मेल्स को और ये ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर बताया था, ये दो फ्रैक्चर बताए बस यहाँ तक ये बॉडी लैंड मार्किंग कवर हो गई थी फीमर की, इसके अलावा कोई बॉडी लैंड मार्किंग रह गई सर ये भी बता दें ये कोई मिस कर दी होगी मतलब आर्टरीज के अलावा सिर्फ बॉडी लैंड मार्किंग सर यस सर ग्लूटी ट्यूब्रोस्टी वो आपने मार्क करवाया तो ग्लूटी ट्यूब्रोस्टी होगी जो हमारी एपिकुंडाइल्स हैं इसके सुपीरियरली दोनों साइड पे मस्कुलर इंप्रेशन है एक ये वाला यस सर ये मार्क से बता दें थोड़ी समझ एक ये वाला यस सर ठीक है और एक ये वाला यस सर यस सर ये क्या चीज़ है जो लैटरल साइड पे है ये सिर्फ मस्कुलर इंप्रेशन है जो मीडियल साइड पे है इसका नाम एडक्टर ट्यूबरकल है एंड दोनों मस्कुलर इंप्रेशन मस्कुलर इंप्रेशन मतलब कि क्या मसल अटैच होता है उसके नाम क्या बताएं एडक्टर एडक्टर ट्यूबरकल दोनों एडक्टर ट्यूबरकल नहीं मीडियल वाला सिर्फ एडक्टर ट्यूबरकल और इसको मसल मस्कुलर इंप्रेशन सही है और लैटरल वाला वेट भी है कोई पॉइंट में से सर वो पहले बता दें ये बच्चे जो इंफीरियर बॉर्डर है यहां पे रफ एंड एरिया है ये रफंड एरिया यस सर ये रफंड एरिया जो है इसको फेमोरल कैलकर बोलते हैं फेमोरल कैलकर कहते हैं इसका काम क्या है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसको नेक को अच्छा और ये स्मॉलर ट्यूब्रोसिटी के बिल्कुल पीछे है ना सर समझ गया सुपीरियर साइड इंटीरियर साइड यस सर कवर्ड हो गया सर।